कितनी अजीब बात है ना कि आजकल के समय में जब 24/7 हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन है, सोशल मीडिया पर हमारे ढेर सारे फ्रेंड्स हैं, हमारे जो करीबी लोग हैं, हमारे परिवारजन, दोस्त जो हमसे बहुत दूर रहते हैं, हम जब चाहें उन्हें कॉल कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। हमारे आसपास कितने सारे लोग हैं, इसके बावजूद आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अकेलेपन का शिकार हैं। दोस्तों, अकेलापन एक ऐसा इमोशन है जिसमें से हम सब कभी ना कभी अपने जीवन में जरूर गुजरेंगे या गुजरे हैं। इनफैक्ट देखा जाता है कि अकेलेपन का जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो मानो एक गहरी चोट की तरह है। हम अकेलेपन को कैसे अपने जीवन से दूर कर सकते हैं, इस सवाल का जवाब आप और हम मिलकर एक नई जिंदगी पर ढूंढेंगे। चर्च, कम्युनिटी, कनेक्शन, ये सब हमारे जीवन के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, हम इसके बारे में जानेंगे। और साथ ही हम जानेंगे कि इन सब से बढ़कर है हमारा कनेक्शन हमारे परमेश्वर के साथ, हमारे स्वर्गीय पिता के साथ। क्योंकि अगर ये कनेक्शन मजबूत है तो हम अकेलेपन का सामना कर सकते हैं। हमारा पति पहले मिलिट्री में था, बहुत अच्छे थे, पैसा थे, परिवार अच्छा चल रहा थे। उनके जाने के बाद मुझे बहुत कठिनाई झेलना पड़ा और रोते थे, प्रार्थना करने से पहले मेरे आंसू गिर जाते थे। लेकिन खुदा को न जाने क्या मंजूर था, हम उसे नहीं बचा सके और वो प्रभु में उस बीमारी के चलते सो गया। ये हमारे लिए एक ऐसा वक्त था जब हम पूरा परिवार सदमे में चला गया और एक अकेलापन हमें सताता रहता था। दोस्तों, बाइबल में यूहन्ना की किताब उसके 16वें अध्याय और 32 वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में थे उन्होंने भी अकेलेपन का सामना किया, लेकिन उनका रिश्ता अपने स्वर्गीय पिता के साथ मजबूत था। अगर आज आप भी ऐसी ही सिचुएशन से गुजर रहे हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप भी स्वर्गीय पिता को जानेंगे, प्रभु यीशु मसीह को आप जानेंगे, उनके साथ अपना रिश्ता मजबूत करेंगे और जानेंगे कि वो हमेशा आपके साथ हैं, आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे। और दोस्तों, हम चाहेंगे कि आप एक समुदाय के साथ जुड़ें। हमारी प्रार्थना है कि आप एक नई जिंदगी परिवार में जुड़ें। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे और आप भी हमारे लिए प्रार्थना करें। आप हमसे जरूर संपर्क करें। हमारा नंबर है 9910401010। एंड फ्रेंड्स, अंटिल नेक्स्ट टाइम, गॉड ब्लेस यू।